होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है जो सर जिनके पास अनुभव होगा वही विकास करेंगे। अनुभव नहीं, चूंकि पंचायत पंचायत मुखिया को जो सर पीओ नहीं मिलता है, पंचायत सचिव मिलता है, लेकिन पंचायत सचिव लापरवाही की तरह काम करता है और पंचायत सचिव से सही गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार पंचायत सचिव को दिए हुए हैं मुखिया को गाइड करने के लिए, लेकिन मुखिया जो भी मुखिया हो सही गाइड नहीं ले पाते हैं, सही जानकारी नहीं ले पाते हैं जो उचित योजना है पंचायत में। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हरिपट्टी पंचायत बहादुरपुर के निकटतम एक ऐसा पंचायत है जहां विकास अगर दिखती है तो लगेगा कि मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर अंदर रहने वाले पंचायत का क्या हाल है। हम आज हरिपट्टी पंचायत के कई मुखिया प्रत्याशियों से अब मिला रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह जनता प्रत्याशियों के विषय में कहती है। हम अभी एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो पंचायत समिति रह करके अपने पंचायत की जनता का हर समस्या देखे, चाहे उनका कोई भी समस्या हो, चाहे राशन कार्ड बनवाने से लेकर के हो, आवासीय हो, या फिर स्वास्थ्य सेवा को लेकर के हो। स्वास्थ्य जो केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ कोरोना संक्रमण या उससे पहले भी मदद की है, और शिक्षा के क्षेत्र में मदद करें। इस बार पहली बार उनके अंदर की अंतरात्मा जगी है कि वो पंचायत समिति तो रही हैं, इस बार मुखिया के रूप में कार्य कर, मुखिया के लिए चुनाव लड़कर जो जनता इन पर विश्वास करती है उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए चुनाव में खड़े हों और जीतें, इनका प्रयास है। चलिए हम बता दें कि हमारे साथ हैं पंकज पासवान जो कि वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं। पंकज जी, आप पंचायत समिति तो बहुत अच्छा होता बहुत, तो वो छोड़ कर आप मुखिया के लिए क्यों आप करना चाह रहे हैं? सर, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद जो आप हमारा वाइट लेने का किए, यह इसके अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है सर, पंचायत समिति में सर 10 वर्षों से हम हैं, अपने पंचायत से पंचायत समिति में 10 वर्षों से हैं। हमसे जो भी बन पाया पब्लिक के लिए हम 100% देने का कोशिश किए एज ए पंचायत समिति, लेकिन सर पंचायत समिति में है क्या कि सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे विकासात्मक कार्य है जो पंचायत समिति को अटैच नहीं किया हुआ है। तो इस 10 वर्षों में जो हमको अनुभव हुआ पंचायत कार्य करने का, पब्लिक के सेवा करने का, पब्लिक को कई रूप से जो है ना लाभ पहुँचाने का, उसमें सर अहम है मुखिया पद। इसीलिए हमारा अपना ख्वाहिश है और जनता का भी जो है ना डिमांड है जो हम मुखिया पद पे आवे, ताकि डायरेक्ट पावर जो है मैंने फंड को लेकर के कि मुखिया पंचायत समिति में फंड कम होता है, मुखिया में ज़्यादा फंड होता है, ऐसी बात नहीं है सर। फंड ऐसी बात नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ ये तो है, फंड अगर रहेगा तभी हम पब्लिक के बीच में सामूहिक वर्क कर सकते हैं, लेकिन खास करके व्यक्तिगत मेरा दिलचस्पी सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से लाभ देने का रहा है, चाहे वो सर वृद्धावस्था पेंशन हो या आपको जो है ना राशन कार्ड हो। राशन कार्ड भी इस बार जितना बना है लगभग आपको 150-200 जो है हम अपने मतलब इसे फॉर्म फिलअप करके पब्लिक को जागरूक करके वहाँ तक पब्लिक को प्रखंड तक पहुँचा करके हम राशन कार्ड बनवाया। खास करके जहाँ तक मान लिया विकास में, मान लिया मोटा मोटी सामूहिक वर्क में सर हम लोग थोड़ा फिजी हो जाते हैं पंचायत समिति में, लेकिन पर्सनल वर्क में कोई भी पब्लिक हमारे आगोश में आए होंगे, हमसे सुविधा लेने के लिए आए होंगे, तो हम तत्पर 100% देने का प्रयास किए होंगे। ये बात तो आपको एक चीज़ होगा पंकज जी कि ये जो आप पिछली बार वोट डाले होंगे, आप खुद भी वोट डाले, तो मुखिया में किसको वोट डाले थे और जिसको डाले क्या वो वास्तव में काम कर पाया सर, या उसी के खिलाफ आप आ रहे हैं कि हमने जो वोट डाला वो गलत था? नहीं सर, सर ये चीज़ तो सर कहना मतलब ये तो ओपिनियन करवाना हुआ ना सर, अब इसको उम्मीदवार का नाम हमसे मत खुलवाइए। नहीं तो आपने दिया होगा, क्या लगता है वो आपका बेकार गया या फिर आप इसीलिए काम कर रहे हैं? हम जिनको सपोर्ट किए थे अपने वोट से वो सफल नहीं हुए, इसलिए हम माले इस विषय पर चर्चा क्या करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे जो वर्तमान में जो भी मुखिया बने हैं 100% नहीं दिए हैं, हाँ इतना जरूर कहेंगे, और हम उसी प्रयास को उसी को 100% करें यानी उसी को सुधारने के लिए हमारा अपना यह है अभिलाषा है जो हम इसको इस बार हमको मौका मिले तो जो भी वर्तमान मुखिया से छुटा हुआ या अधूरा काम है या गलत तरीका से किया गया है हम उसको संशोधन करेंगे, और नए सिरा से बहुत ऐसे योजना है सर जिसको वर्तमान मुखिया क्या बहुत से ऐसे मुखिया है जिसको जानकारी नहीं है जो उस योजना को पब्लिक फील्ड में हम कैसे उतारें उसको हम उतारने का प्रयास करेंगे सर। बता दें कि हमारा इससे पहले भी अभी एक न्यूज आ रहा है और आप उसको देखिएगा, उसमें हमने लिखा है कि पंचायत प्रतिनिधि और खासकर मुखिया को वैसे मुखिया को चुने जिससे योजनाओं की जानकारी हो,
क्योंकि प्रखंड में जो करोड़ों रुपया आते हैं, सब समझते करोड़ रुपया आते हैं, बस ये नहीं समझते हैं कि उस योजना को कैसे धरातल पर उतारा जाए, अधिकारियों के साथ मिल करके योजना की जानकारी ली जाए और कहाँ की योजना किस क्षेत्र की है, दलित टोले की है या फिर अन्य जगह की। ये 70% मुखिया उम्मीदवार नहीं समझ रहे, अभी हमारा वही है। तो ऐसे लोगों को चुनिए जिनकी योजनाओं की जानकारी हो। ये हमारा क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को होना चाहिए जानकारी? एकदम सर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है जो सर जिनके पास अनुभव होगा वही विकास करेंगे। अनुभव नहीं, चूँकि पंचायत मुखिया को जो सर पीओ नहीं मिलता है, पंचायत सचिव मिलता है, लेकिन पंचायत सचिव लापरवाही की तरह काम करता है और पंचायत सचिव से सही गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार पंचायत सचिव को दिए हुए हैं मुखिया को गाइड करने के लिए, लेकिन मुखिया जो भी मुखिया हो सही गाइड नहीं ले पाते हैं, सही जानकारी नहीं ले पाते हैं। जो उचित योजना है पंचायत में उतारना, पब्लिक के बीच सामूहिक रूप से उतारना, उसको नहीं उतारना पर वो ध्यान देते हैं। PCC सड़क हो गया, नहीं समझे आवास योजना हो गया, उसमें कितना माल लिया जो है ना, मतलब अच्छा एक चीज़ बताइए, कमीशन का खेल होता है सब जानते हैं, सर्वजित है, जेई हो चाहे आपका जो पंचायत सचिव हो, बिना कमीशन कितना प्रतिशत आपको मालूम होगा, कितना प्रतिशत कमीशन का चलता है खेल? सर ये तो मान लिया जो है ना, उसमें तो पूरा जग जाहिर है सर, क्योंकि आप भी अगर मुखिया बनिएगा तो इसी से आपको भी गुजरना पड़ेगा, तो क्या सर गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन सर कोशिश करेंगे जो हम इस चीज़ को कमीशनखोरी को समाप्त करें, और उसके लिए पब्लिक का भी सपोर्ट हमको होगा। हम कमीशन कहाँ लगता है सर, जहाँ गलत काम होगा वहाँ कमीशन लगता है। अगर हम 100% सही वर्क करवाएंगे, जैसे आवास योजना है, अगर मान लिया लाभुक अगर आवास बनवा ले, आवास का निर्माण करवा ले, उसको कमीशन क्यों देना पड़ेगा? लेकिन वही पब्लिक यहाँ आते हैं या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, जो हमको फर्स्ट पेमेंट हो गया है, सेकेंड किस्त, तो आप छत ढलवाए नहीं, सेकेंड किस्त लिंटर ढलवाए नहीं, आपको सेकेंड किस्त चाहिए, तो वहाँ क्या होता है, जो जनप्रतिनिधि उठपका है कमीशनखोरी में है, वो तो कमीशन दिलवा करवा लेता है, और नहीं तो साइड से किसी बिचौलिया के थ्रू जो है ना अपना कमीशन दे करके जो है ना लाभ ले लेता है। अच्छा अभी पंचायत कमीशनखोरी बंद करने के लिए सर पब्लिक को ठीक होना पड़ेगा, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। आप जिस चीज़ का लाभ लेते हैं उस लाभ को मतलब 100% आप उतारिए, उस को शो कीजिए। आपको 1 रुपया अगर कहीं लगता है तो उसके लिए जो है उत्तरदायी वर्तमान जनप्रतिनिधि है, जो भी मतलब जो है कर्मी है वो है, वृद्धावस्था माल्या का जो है ना संस्थान का एक व्यवस्था किया जाए, जो वहाँ आदमी वो आश्रित रहे, वहाँ से उनको माल्या भरण पोषण या किसी भी तरह का जो है रोजगार मिल सके। नवयुवक जो भी है पढ़े लिखे होने के बाद जो है जब रोजगार की बात होता है तो प्रदेश जाना पड़ता है। मनरेगा 100% किसी पंचायत में नहीं उतर पाता है सर, कागज़ पे उतरता है, उस पर भी मान लिया जो है ना फोकस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मान लिया जो है ना सामूहिक रूप से सर अगर मान लिया देखा जाए तो बहुत से ऐसे वर्क है हाँ जो धरातल पे नहीं उतर पाता। अच्छा ये बहुत से 10-12 उम्मीदवार हैं इस पंचायत में, क्या लगता है कि वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जाति का वोट काटते हैं, बहुत लोग ऐसे जो बाद में पैसा लेकर के बैठने वाले भी होते हैं, इसे क्या लगता है? ये सर तो है, ऐसी बात है, लेकिन मान लिया इस पर हम फोकस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में मान लिया किसी पे किसी तरह का नहीं है, कोई भी जो भी मतदाता है वो भी उम्मीदवारी कर सकते हैं, और अपना कैपेसिटी सबको मालूम है। अगर कोई मान लिया हम ही आज उम्मीदवारी कर रहे हैं तो हमको अपना कैपेसिटी मालूम, जो हमको कितना जनता चाहेंगे, कहीं ना कहीं हमको अपने आप में अंतरात्मा में विश्वास है, जो मास लेवल में हमको जनता चाहेंगे। भी कहेंगे कि ये वोट कटुआ है। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ सारा अपडेट खबर यूट्यूब में, पंकज पासवान थे हमारे साथ, और हम बता दें पंकज पासवान जी वार्ड 9 से लेकर के वार्ड 15 तक PCC सड़क का निर्माण किए हैं, और उन्होंने कुल 11 लाख रुपये का काम किया है, चूँकि पंचायत समिति हैं और इनका शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ज़्यादा कार्य रहा है, और ये चाहते हैं कि मुखिया बने तो आम जनता के लिए ज्यादा खास करके वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे महिलाओं उद्यमी योजना हो, कई क्षेत्रों में ये कार्य करना चाहते हैं। लेकिन हम अंत में एक बार फिर कहेंगे, सुनिए सबकी, कीजिए सिर्फ अपने दिल की, क्योंकि आपको अपने गांव का, अपने पंचायत का विकास महत्वपूर्ण है। जाति धर्म रिश्ते के नाम पर अगर आप वोट डालेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके और आपके पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दिल पर हाथ रखें, आंख बंद करें, वो प्रत्याशी, सक्षम प्रत्याशी का चेहरा आपके सामने आएगा और उसी पर वोट डालिए। किसी के कोई आपको बहकाएगा कि वोट बेचने के लिए, खरीदने के लिए बात कहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि शराब माफिया हैं, जो शराब के बल पर आपके गांव मोहल्ले में वोटिंग कराने का बढ़िया बात करेंगे। ऐसे लोगों को अलग रखिए समाज से, क्योंकि यही आपके समाज को नुकसान पर है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।